हेलो भाई लोग, यदि आप लोग भी जानना चाहते हैं मोबाइल से अपने ब्लॉगर पोस्ट का SEO कैसे करते हैं, वह भी ऐसा SEO जो जो बड़े बड़े वेबसाइट थोड़ा नेट स्लो है भाई लोग। देख सकते हैं ये ब्लॉग पोस्ट मैंने खोला। इसमें आप देखिए, इस आर्टिकल को पूरी अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तब भी आप SEO बढ़िया से सीख जाएंगे, अपने ब्लॉग पोस्ट का SEO कैसे कर अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सब चीज़ आपको मिलेगा। यदि आप ब्लॉगर हैं तो आप जानते ही होंगे कि ब्लॉगर के लिए SEO बहुत ही मुख्य हिस्सा है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इससे वेबसाइट कैसे रैंक करेगा। देखिए इसे, ये आपके स्ट्रेटजी है जो कि आपको फॉलो करना है। पहला स्ट्रेटजी में है कि स्ट्रेटजी करना ही पड़ेगा। डिजाइनिंग हो गया, अपने ब्लॉगर पोस्ट का डिजाइन कैसे करें। डिजाइन आप अपने ब्लॉगर पोस्ट का यूनिक एक टेम्पलेट लगा लें। आप मेरा टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे टेम्पलेट में कैसा। इसलिए इस टेम्पलेट का लिंक चाहिए आप लोग को, तो आप डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको कमेंट बॉक्स में इस रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। देख लीजिए, यह ऐसा आर्टिकल, मतलब ऐसा थीम है कि आपको इस पर ब्लॉग को ब्लॉग एडसन का अप्रूवल ज़रूर ही मिल जाएगा। मेरा भी कुछ पुराना नहीं है, तो हम आ गए ब्लॉग पोस्ट पे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट लिखा, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ ले, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। देखिए यार, इस SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करें आप, और इधर पढ़ना चाहते तो पढ़ ले। हम लोग डायरेक्ट आते हैं मेन चीज पे, स्ट्रेटेजी। आप सबसे पहले डिजाइनिंग में आप अपने थीम का बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करें। ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ लगा दे कि आपका पेज लोड स्पीड कम हो जाए। इससे अच्छा आप मेरे थीम को यूज कर सकते हैं। ऊपर देखिए, मेरा थीम बहुत फास्ट है। आप यूज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको लिंक दे देंगे। और सेकंड है मेटा टेक डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ही यूनिक और अच्छा डिस्क्रिप्शन दें, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा रहेगा तभी आपका पोस्ट गूगल पे रैंक करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि आप मेटा टैग डिस्क्रिप्शन का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आइए हम जान लेते हैं उसको भी। पहले तो अपने ब्लॉग डैश में हम डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे न्यू आर्टिकल पे क्लिक कर दूँगा। न्यू आर्टिकल, डेस्कटॉप साइट पे कर ले। ये देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन है ना, इसी में आपको मैक्सिमम 150 वर्ड का रहेगा। 150 वर्ड में आप अपना ये बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते तो आप 120 का लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो तब भी चलेगा, लेकिन 120 का आप लिखे तो अच्छा बेहतर रहेगा। आपका जो डैश डैश आता है वो नहीं आएगा,
अच्छा चलेगा, 120 का डिप्रेशन लिखेंगे तो आप। डिप्रेशन कुछ अलग नहीं है, डिप्रेशन आपको ऐसा बनाना है, आपने जो आर्टिकल लिखा है उसी से रिलेटेड डिप्रेशन आपको बनाना है। समझ गए होंगे डिप्रेशन, तो आइए जानते हैं वो आगे उसके आगे क्या है। बैकलिंक्स, बैकलिंक्स आप किसी भी बैकलिंक का मतलब नहीं समझ रहे ना, तो आप ये करिए डायरेक्ट मेरे पोस्ट पे आइए। बैकलिंक का मतलब आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, ऐसे कि मैंने अपना वेबसाइट खोला यहाँ पे, ये सोचिए कि ये वेबसाइट आपका है, मैंने आपका वेबसाइट, यदि आप डिजिटल शोरूम ऐप का कोई आर्टिकल लिखा आपने, उसको खोला मैंने, ओपन किया, आपका मतलब गूगल पे रैंक कर रहा है आपका आर्टिकल, तो उसके नीचे सबसे नीचे जाइए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपना लिंक छोड़ दीजिए या उसके आर्टिकल का लिंक, लिंक यहाँ ऐसे करिए क्लिक कीजिए और अपने मेन इस पे चल जाइए, यहाँ पे जो कहीं पे कुछ पोस्ट लिखा है आपने, शायद कुछ पोस्ट लिखा है वहाँ पे उसके बैक लिंक मतलब यहाँ पे दे दीजिए डिफ्लेक्शन करके, उसके लिंक का साइट का लिंक दे दीजिए बस, नहीं तो यहाँ पे अपने वो कर दीजिए इंटरनल लिंकिंग करके दे दीजिए। इंटरनल लिंकिंग आप नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर करें, इंटरनल लिंकिंग आपको बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा, आपको किसी और पोस्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्लिक किए इंटरनल लिंकिंग मतलब यहाँ पे गया, लिंक पे क्लिक करें, देखिए ये आपका इंटरनल लिंकिंग हो गया आराम से, इंटरनल लिंकिंग। अब इसको आप कहीं भी करेंगे तो आप लोग का दिखाई देगा कि आपने ये पोस्ट किया है, और ये साइट पे क्लिक करते ही आप उसके रिडायरेक्ट करेंगे, मतलब जो उस लिंक का काम करता है वहाँ पे पहुँच जाएंगे आप। सेकंड स्टेप, इंटरनल बैक लिंक भी समझ रहे होंगे, आइए जानते हैं आप क्या है। सेकेंड है टॉपिक्स, आपको टॉपिक्स ऐसा टॉपिक चुनना है जैसे कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स पे, सबसे अच्छा गूगल ट्रेंड है, उस पर आप जाके बढ़िया से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ट्रेंड में मिला है। देखिए डेली का दिखा दिया, डेली सब लोग सर्च कर रहे हैं, ये एक महीने दो महीने एक साल, जब भी का आप देखना चाहते हैं यहाँ पे ऊपर देने में कर सकते हैं, क्लिक करें दिखा देगा, और रियल टाइम अभी जो अभी समय चल रहा है 2:13 पे क्या सर्च कर रहे हैं, रियल टाइम जो कि अभी चल रहा है, ये नहीं कि बीता हुआ। देखिए ये सब सर्च हो रहा है ना, वही आप लोग भी जानना चाहते हैं इस सब के बारे में, तो अच्छे से सीखना चाहते हैं, गूगल ट्रेंड को यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें ज़रूर। इसी तरह ये भी क्लियर टॉपिक हो गया। ला कीवर्ड, कीवर्ड कीवर्ड पे हम लोग चल रहे हैं, कीवर्ड कीवर्ड के लिए तो कीवर्ड रिसर्च मतलब टॉपिक चुनेंगे तो उसी पे कीवर्ड आप बना लें। कीवर्ड के लिए हम गूगल का ये है, गूगल ट्रैक, अब नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड। कीवर्ड के लिए आप सबसे बेस्ट ठीक गूगल का ही, वो भी फ्री, एकदम फ्री, कोई पैड टूल आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट गूगल पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें वर्ड ट्रैकर, देखिए आ गया वर्ड वर्ड ट्रैकर आ गया ना, ये ऐसे सर्च करें या इस पर क्लिक कर दे, डायरेक्ट ऊपर लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करें। थोड़ा नेट स्लो है भाई लोग,
खुल जा भाई, खुल जा, जल्दी खुल जा, तभी ना भाई लोग को समझ आए। देखिए आप यहाँ पे अपने कोई भी कीवर्ड सर्च मारे डायरेक्ट वहाँ पे, जैसे कि हम मैं एक मनी ऑनलाइन सर्च कर लिया। देखिए आप इससे रिलेटेड कितना भी टॉप लेवल कीवर्ड होगा आपको पूरा ग्राफ बना के मिल जाएगा। थोड़ा समय तो लगेगा ही, ये रिसर्च कर रहा है अभी। अब अपना स्टेट भी चुन सकते हैं जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो। देखिए यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल गया। देखिए फ्री में इतना कीवर्ड 50, ये टोटल एक बार में आपको 50 की देखा। देखिए यहाँ पर लिखा है कीवर्ड 50 कीवर्ड देगा ऑनलाइन से रिलेटेड। अब यहाँ पे वैल्यूम देख सकते हैं, उसका CPC भी देख सकते हैं। अब इसे सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी है, इसका लिंक चाहिए तो नीचे मिल जाएगा आप लोग का, नीचे ले लीजिएगा लिंक, डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड लास्ट टॉपिक HTML, मतलब HTML आपको एडिटिंग नहीं आता, HTML के लिए बेस्ट ऐप भी बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। HTML मतलब कि मोबाइल से आप अपने HTML को एडिट करते हैं तो जल्दी नहीं होता। उसके लिए आप मेरे ब्लॉग पोस्ट में जाएं, आपको एक ऐप दिया जाएगा, एक आर्टिकल है मेरे में, उसको उस ऐप को आप इंस्टॉल कर ले, सबसे अच्छा रहेगा। उससे आप अपने HTML का बहुत बढ़िया से एडिट कर पाएंगे। वो SEO में इतना नहीं आता, लेकिन आपको कुछ एडिट करना हो तो उससे आप अपने HTML का एडिट कर सकते हैं। HTML कोड एडिटिंग, देखिए इसी ऐप का नाम बता रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ लें। और ऐप का लिंक नीचे दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेंगे प्ले स्टोर पे। देखिए यही आप वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, या इंस्टॉल करके इसके बारे में बढ़िया सीख सकते हैं आप। मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, मेरे पास ये इसका मेरे को काम नहीं है। आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यदि ये HTML एडिट करना चाहते हैं तो। और कुछ होगा जो वन पेज SEO, ऑफ पेज ये सब कर रहे हैं ना आप, ऑन ए पेज SEO है तो ऑफ पेज SEO मतलब आप अपने लिंक को, अपने पेज के लिंक को, मतलब आर्टिकल जो पब्लिश किए हैं उसका लिंक सोशल मीडिया या ऐसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ही ऑफ पेज SEO होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आप जानेंगे। और कुछ भी स्ट्रेट ट्रैफिक लाना है अपने वेबसाइट पर या आर्टिकल पे, तो उसके लिए भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और गूगल पे जल्दी रैंक कराना चाहते हैं तो ये वाला मेरा आर्टिकल, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस पर पहुँच जाएंगे उस आर्टिकल पे। ऐसे करके आप बहुत सारे 2-3 आर्टिकल में ही अपना SEO बेहतर बना पाएंगे। देखिए ये भी खुल गया। इन सब साइट पे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे नए पोस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भाई लोग। तो यहाँ से देखिए होम पेज SEO ख़त्म होता है, ऑन पेज SEO। अब आइए जानते हो ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO कब किया जाता है यह जान लेते हैं। ऑफ पेज SEO आप अपने वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट कर लेते हैं उसके बाद ऑफ पेज SEO किया जाता है। ऑफ पेज SEO ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आप ऑफ पेज SEO में जैसे कि सोशल मीडिया चलाते ही होंगे आप, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल्स, यूट्यूब,
कोरा साइट, इन सब पे देखिए, मतलब सोशल मीडिया पे आप अपने ब्लॉगर पोस्ट को प्रमोट करें। यूट्यूब पे मतलब जो आर्टिकल आपने लिखा उसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाए और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई देखेगा वीडियो तो आरटी लिंक पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आएगा, इससे आप ही का ट्रैफिक आएगा। कोरा साइट मतलब कि वहाँ पे तो सबसे बेस्ट है कोरा, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल की ओर से ट्रैफिक आएगा वो, क्योंकि कोरा पे आपने आर्टिकल के लिंक को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करें, उसके बारे में कुछ थ्योरी लिखें, भी उसको बताएं कि आप इस आर्टिकल पे जाके क्या क्या पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज लैग क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसके बारे में लिख सकते हैं। और कुछ नहीं ऑफ पेज, आज के लिए बस इतना है। और भाई लोग, ये इसी तरह आप रेगुलर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ, जो लोग न्यू वेबसाइट चालू करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, उन लोग तक इस आर्टिकल को ज़रूर पहुँचाएँ। इससे आप ही लोग का फ़ायदा होगा कि आप अपने फ्रेंड से भी मदद ले पाएंगे, वो अच्छा से समझ पाए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।